करता रहता है। आने दे इस टीचर को। खोलो बच्चों खोलो, गंदा बात हो रहा है, खोलो बच्चों। अरे यहाँ पे तो बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक सीक्रेट स्टेशनरी रूम और उसे छुपाने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर से, क्योंकि इस स्ट्रिक्ट टीचर को ऐसे लगता है कि फैंसी स्टेशनरी से बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं। तो अगर इस टीचर ने हमारा सीक्रेट रूम ढूंढ लिया तो हम सारी फैंसी स्टेशनरी डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अगर नहीं ढूंढ पाई तो इस टीचर को मिलेगी पनिशमेंट। तो चलो जल्दी जाके पहले जगह ढूंढते हैं। उमेश क्यों ना हम सीक्रेट स्टेशनरी रूम इस कार के अंदर बनाए। अरे अक्षता तूने शनाय को कितना इजीली पकड़ लिया था हाइड एंड सीक में कार में, तो हम पकड़े जाएंगे, हमें स्टेशनरी देनी पड़ेगी। मेरे पास एक प्लान है, तो क्यों ना अक्षता हम बनाए हमारा सीक्रेट रूम इस गार्डन में। इस गार्डन में उमेश बाहर से कोई जाएगा ना इजीली पकड़ लेगा। अरे मेरे पास एक प्लान है कि हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे एक बड़ा सा बॉक्स, उसके अंदर डाल देंगे ढेर सारी स्टेशनरी और उस बॉक्स को कवर कर देंगे मिरर से, ताकि ये बन जाए एक इनविजिबल सीक्रेट रूम। वाओ वैसे आइडिया तो अच्छा है। yes. एक काम करते हैं, शनाय और हर्षिता को पूछ लेते हैं उनको इस इनविजिबल सीक्रेट रूम में कौन सी स्टेशनरी चाहिए। एक्चुअली बराबर बोल रही है। चल अभी टाइम नहीं है, चल चल चल। तो शनाय सीक्रेट स्टेशनरी रूम में क्या होना चाहिए? उसमें ना ए टू जेड तक की सारी स्टेशनरी होनी चाहिए। हर्षिता तुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए सीक्रेट स्टेशनरी रूम में? ना ढेर सारे एक्सपेंसिव और यूनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एक्सपेंसिव? तो हम आ गए हैं हमारे फेवरेट स्टेशनरी शॉप यानी कि A&M में। उमेश याद रख हमें A से लेके Z तक की सारी स्टेशनरी लेनी है। यार मजा आएगा। अच्छा तो A से मैं ले रहा हूँ ये बड़ी सी अलार्म क्लॉक, जिसका उमेश को कोई यूज नहीं है क्योंकि ये बजने के बाद भी उमेश सोता ही रहता है। गजब बेइज्जती है। तो बी से मैं ले रही हूँ ये अमेजिंग सा बैग, इसे मैं ऐसे कैरी भी कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तू बी से ले ये ब्रश, ताकि ये पेंटिंग के भी काम आ जाएगा, और तू जो मेकअप में इतना टाइम लगा दी ना, चुक 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 करके जल्दी भी हो जाएगा। तो सी से मैं ले रहा हूँ ये अमेजिंग सा कलरिंग बॉक्स, तो ये है शनाय के लिए और ये है हर्षिता के लिए। तो डी से मैं ले रही हूँ ये डायरी। तो आपको लग रहा होगा ये फेरी प्रिंसेस है, बट नहीं, ये एक्चुअल में फेरी के इरेजर्स है। वाओ इसे रब कौन करेगा यार, इसे तो खेलने का मन करेगा। तो एफ से मैं ले रही हूँ ये कलरफुल पेन। जेड से ये जिपर पाउच। तो फाइनली ए से लेके जेड तक की सारी स्टेशनरी हम ले चुके हैं, और हमारे पास बस डेढ़ ही घंटा बचा है, उसके बाद टीचर आ जाएगी। तो चलो 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 सामान, ये सामान पैक कर दो। तो फाइनली हमारा स्टेशनरी का बॉक्स आ गया है। अभी इसको क्या करते हैं, मिरर लगाते हैं। okay. और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलते हैं। वाओ एकदम इनविजिबल दिखेगा। यस चलो। ये रहा हमारा अमेजिंग सा इनविजिबल सीक्रेट स्टेशनरी रूम। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें कोई भी ढूंढ सकता है यार। यहाँ पे मिरर लगाने की वजह से ग्रास इतना अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं ना आपको बाहर से दिखाता हूँ कि कितना अमेजिंग लग रहा है। ये देखो यहाँ से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रुको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो ये रहा हमारा सीक्रेट रूम, जूम आउट करने के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, अमेजिंग है यार ये तो। 20 minutes later. तो शनाय और हर्षिता आ गए हैं और हमने जो सीक्रेट स्टेशनरी रूम बनाया ना वो इस गार्डन में बनाया है। तो ढूंढो, जाओ ढूंढो ढूंढो।
रुपए थी। तो कैसे लगा हमारा सीक्रेट स्टेशनरी स्टोर तुमको? ओह माय गॉड, मैंने ना ऐसा इनविजिबल सीक्रेट रूम पहली बार देखा है। ये सीक्रेट रूम कितना मस्त है, ये तो चारों साइड से मिरर से ढका हुआ है और यहाँ पर ना मैं छुपते छुपते अपने बाल भी जला सकती हूँ। मुझे नहीं मालूम था हमारा सीक्रेट रूम ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पे तुम बाल भी बना सकते हो। अरे लेकिन ये सब छोड़ो, तुम्हें एक्चुअल खजाना देखना, तो इधर आओ ये देखो। Yes. ये जो सीक्रेट रूम है ना वो तो ऑसम था ही, और अंदर की जो स्टेशनरी है ना वो भी बहुत ऑसम थी। तो मुझे बताओ कि तुम लोग इसको कितना स्कोर दोगे 10 में से? 10। क्या हुआ, अलार्म बज गया? चलो टीचर आ गई। तो हमारी खड़ूस इलेक्ट्रिक टीचर आ चुकी है। फटी हुई जींस नहीं, इसका स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल। अच्छा वो सब छोड़ो मैम, हमने बनाया है हमारे बिल्डिंग में एक सीक्रेट स्टेशनरी रूम जो आपको ढूंढना है सिर्फ एक घंटे में। अगर मैं नहीं ढूंढ पाई तो आपको मिलेगा पनिशमेंट, और आपका क्लू है लेटर बी, और हम भी आपको वो सीक्रेट रूम ढूंढने में हेल्प करेंगे। वाह, तो मैं आपका होमवर्क माफ कर देती हूँ। सुनो अर्षिता, हमें ना मैम को सीक्रेट रूम ढूंढने नहीं देना है। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है, चलो। हाँ हाँ मैम, सीसीटीवी में देखेंगे। चल चल चल। तो बच्चों, हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा है घूमने के लिए, के पास कोई सजेशन है? हाँ 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 मैम, बीफर बोट होती है ना। बोट? बीफर? अरे हर्षिता, वो हमारे पास बिल्डिंग में बोट थी ना नीचे। मैं तो भूल गई, यहाँ पर मिलता मस्त बोट है बिल्डिंग में। बिल्डिंग में बोट? अरे है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ चलो चलो चलो। हमारे बिल्डिंग में बोट कहाँ है? चलो चलो चलो। ये देखो बोट। बोट कहाँ है? अरे मैम, लगता है बारिश आई तो बोट चली गई। तो बोट के लिए पानी चाहिए ना, तो पानी कहाँ पे? मैम अगर बोट चली गई तो पानी भी उसके साथ ही चला गया होगा ना। अरे मैम अभी सुना के छोड़ो, ये तो ये सब पूछ रहेगी। पहले आप बताओ मेरे को कि सीक्रेट रूम किसने बनाया है? उमेश और अक्षता ने। और उमेश सिल्वर कहाँ रहता है? मेरे दिल में। वो दिन में बाथरूम में रहता है। अब बाथरूम किस लेटर से स्टार्ट होता है? लेटर बी। तो हमारा सीक्रेट रूम ना बाथरूम में ही हो सकता है। नॉलेजेबल गर्ल है। चल 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 मेरे साथ, मैं ना तुझे ना मैं फर्स्ट रैंक दूंगी। दिल में रहता है, आने दे इस टीचर को। चल तो मैम ये देखो हमारी बिल्डिंग का रॉयल बाथरूम, उमेश ने ना यहीं पर सीक्रेट रूम बनाया होगा। हाँ बच्चों, तुम्हें देख के आती हूँ, जल्दी चल चल। अरे ये तो दरवाजा लॉक हो गया। अरे मैम मेरे को भी यही लग रहा है, दरवाजा लॉक हो गया है। दरवाजा मत छोड़ना। हाँ खोलो बच्चों, खोलो, गंदा बाथरूम है, खोलो बच्चों। ये लोग क्या कर रहे हैं यार? तूने बोला था ये रॉयल बाथरूम है। मुझे तो रॉयल बाथरूम बोलते हैं। रुक रुक, मैं थोड़े देर बैठती हूँ। चलो बच्चो चलो, जल्दी करो बच्चो बच्चो चलो। अरे ये तो गार्डन में आ गई है, हमारा सीखी रूम पीछे वाले गार्डन में ही है, इसको जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा शनाया। अरे यार क्या करे क्या करे। अरे हर्षिता, बीफर बेसमेंट भी होता है ना। हाँ बेसमेंट, इसको जल्दी बेसमेंट में भगा के लेके जा। अरे मैम मैम मैम, मिल गया सीक्रेट रूम, जल्दी आओ। क्या मिल गया, कहाँ पे सीक्रेट रूम? चलो चलो आप दिखा दे दिखा दे दिखा दे। हाँ चलो चलो बच्चो चलो, चलो। यार बेचारी को कितना भगा रहे टीचर को। बेचारी दिल में रहते हैं। मैम ये देखो बलिनो। बलिनो क्या है? अरे मैम बीपर बलिनो, कार के अंदर सीक्रेट रूम। हाँ बहुत बड़ा शाना लड़का है ये। ए उमेश चल निकल बाहर निकल। अरे ये तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। वो देखो ऊपर भी बलिनो है। ऊपर सीक्रेट रूम बना है। उमेश तू शेर है ना, तो मैं सवा शेर। सवा शेर उमेश। चलो मैं कीड़े ढूंढ के लाती हूँ।
ये चैलेंज है मैम, पक्का हारने वाली है। यार ये उमेश का सिगरेट रूम नहीं दिखाई दे रहा यार, चलो कहीं और ही देखती हूँ मैं। पीछे से लग रहा है। मैम, आप इधर नहीं जा सकते। क्यों? अरे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। क्राइम? कौन सा क्राइम? मैम मैं आपको क्या बताऊँ, हमारी सोसाइटी में ना एक कुत्ते को एक मच्छर से प्यार हो गया। ये क्राइम क्या है? मैम उस मच्छर की वजह से उस कुत्ते को डेंगू हो गया और उस कुत्ते की वजह से उस मच्छर को ना रैबिस हो गया। और मैम आपको क्या बताऊँ, उन्होंने ना अपनी आखिरी सांस भी इधर ही ली थी। Oh God! मैम आपको इधर 2 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है। ओए! इतनी गंदी मैं खड़े हो चुपचाप। चल चल नीचे जाते हैं, हार गई है मैम। Oh God! खत्म हो चुका है और अब बारी आपके पनिशमेंट की। पनिशमेंट? तुम चारों को अभी मैं सस्पेंड कर दूंगी। नहीं मैम, अभी आप हार गए हो, आपको पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी। तो मैम आपका पनिशमेंट ये है कि आपको इस सीजर से ये पूरे ग्रास काटने हैं। वाओ, ड्रीम कम ट्रू, टीचर को पनिशमेंट। स्कूल आ जाओ, देखती है तुम लोगों को। हाँ ठीक है ठीक है, देख लेना, काटो अच्छे से काटो। Okay.